एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, स्पेशली इलेक्ट्रिक कार्स, उनको अगर वोल्टेज के हिसाब से डिफरेंशिएट करें, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक कार, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक कार, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो आज की करंट जनरेशन की इलेक्ट्रिक कार्स हैं, लाइक हम नेक्सन की बात करूँ, कोना की बात करूँ, ये हाई वोल्टेज है, 320 वोल्ट, 350 वोल्ट, काफ़ी ज़्यादा हाई पावर रहती है ये। तो इसको, इससे जुड़े जो सेफ्टी फीचर्स हैं, मतलब सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, और कितना रिस्की है, कितना जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विस की बात करते हैं, तो तब किन बातों का ख्याल रखना है, उस पर भी बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं टू व्हीलर थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। 24 वोल्ट से लेकर 72 वोल्ट तक रफली इनकी पावर रहती है, लो वोल्टेज व्हीकल भी इनको कहते हैं। अब अगर आगे बढ़े हम फोर व्हीलर की तरफ से, तो जो पहले सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आई, अगर मैं टिगोर की बात करूं, ई वेरोटो की बात करूं, ये 72 वोल्ट इनका वोल्टेज सेटअप था और लो वोल्टेज व्हीकल था ये। लेकिन अभी अगर मैं टाटा नेक्सन की नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूं, तो ये 320 वोल्ट का है, और जो ह्युंडई कोना है इलेक्ट्रिक एसयूवी, वो 356 वोल्ट की है। दोनों ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक कार हैं। अगर मैं थोड़ा और ऊपर आऊं इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ, तो ये 800 से लेकर 1200 वोल्ट तक इनकी पावर रहती है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर इतनी पावर का अगर शौक किसी को लगता है, तो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस डेथ भी हो सकती है। अगर हम अपने घर की बात करें, नॉर्मल 230 वोल्ट की वहाँ सप्लाई रहती है, तो इलेक्ट्रिक बसेस के तो उससे कई गुना ज़्यादा है। इवन इलेक्ट्रिक कार है नेक्सन कोना, उसकी भी उससे 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ पावर है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज रहेगी, उतनी हम कह सकते हैं ज़्यादा पावरफुल कार है, क्योंकि उसमें उतनी ही ज़्यादा पावर की मोटर लग पाएगी, जो उतनी ज़्यादा पावर के हिसाब से परफॉर्मेंस देगी। लेकिन उसके साथ सेफ्टी कंसर्न जुड़े हैं, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो एक शॉक लग सकता है, जैसा मैं नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी करंट लगता है वैसा ही लगेगा, लेकिन ये शॉक ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डीसी सप्लाई से सामना करना पड़ेगा। घर में जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई है, लेकिन डीसी सप्लाई ज़्यादा डेंजरस है इन केस ऑफ शॉक। अगर हम बात करें वैसे नॉर्मल सर्विस स्टेशन की बात करूँ, जो अप्रूव्ड सर्विस स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, वहाँ जो भी वर्कर काम कर रहा है, सबसे पहले वो सर्टिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, और बिल्कुल पूरे प्रॉपर सेफ्टी किट उसको इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि इंसुलेटेड ग्लव्स, इंसुलेटेड बूट्स उसको पहनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो एरिया होगा सर्विस का, वहाँ पर किसी को भी आने जाने ना दिया जाए, 1 मीटर का गैप होना चाहिए। इवन ओनर को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज हमारी जनरल हैबिट होती है कि जब भी सर्विस होती है, इवन हम जो एजेंसी शोरूम में भी हमारी कोशिश रहती है कि हम जाकर देखें कि मैकेनिक क्या कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये खतरनाक हो सकता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो इवन हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल टूल्स इनके रहते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स रहते हैं, और जो मैकेनिक है वो ट्रेंड होना चाहिए, और हमें तो खुद सेल्फ मैकेनिज्म नहीं करना चाहिए, अपने आप मैकेनिकी नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े जो इलेक्ट्रिकल जो डिटेल है वो काफ़ी फ़र्क है आईसी इंजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, और स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट उसमें ज़्यादा है, सेंसर ज़्यादा है, कंप्यूटराइज्ड है सारा सिस्टम, तो वो हमारी समझ से बहुत बाहर है। खामखा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत आती है तो सीधा आप एजेंसी जाइए, वो आपको करके देंगे जो भी उसमें दिक्कत है। तो ये था सिंपल सा अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसको बनाने का रीज़न ये था कि मेरे नॉन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि बिल्कुल उन्होंने खुद ही कुछ पंगा लेने की कोशिश किया, तो उनको एक अच्छा खासा शौक लगा है, तो इवन उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा है। तो आगे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसी वजह से ये स्पेशल आज की वीडियो बनाई है कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है, खुद कोई भी दिक्कत है आप सीधा एजेंसी जाइए, क्योंकि ये जो शौक है इलेक्ट्रिसिटी का ये दिक्कत कर सकता है। आजकल इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।